देखिए नहीं, हमारे यहाँ तो यही फीडबैक आ रहा है कि अभी जो तो कोरोना हो रहा है ना, वो थोड़ा सा टफ स्ट्रेन है, क्योंकि वो वायरस की सिफारिश दी गई थी और राघोपुर से अपराधी तक आए थे, क्योंकि हम लोग को पहले से सूचना थी तो हम लोगों ने उनको गिरफ्तार किया और उसमें कुल 7 अपराधकर्मी पकड़ाए हैं। बेसिकली ये वाला ही हत्या भी जमीन के लेन देन में पैसे का बकाया और उसके वापस उगाही के संबंध में जो मतभेद हुआ, उस चक्कर में हत्या की जानी थी। जितने अपराधकर्मी हत्या करने के लिए आए थे उनके साथ साथ जो भी इसके साजिशकर्ता थे सब लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इस हत्या को हम प्रिवेंट कर पाए हैं। हत्या आज ही होनी थी और इसमें जो व्यक्ति पकड़ाए हैं उनका नाम है लवलू कुमार, ये राघोपुर के हैं, रंजीत कुमार ये जुड़ावनपुर वैशाली, बंटी कुमार मेहंदीनगर समस्तीपुर, आशीष कुमार जुड़ावनपुर वैशाली, प्रवीण कुमार बैरिया गोपालपुर पटना के, चंदन कुमार सिंह दीदारगंज ये मुख्य साजिशकर्ता है, अनीश कुमार जुड़ावनपुर वैशाली। इन लोगों में सबका वृहद आपराधिक इतिहास है। लवलू का लगभग 7 केस है डकैती एवं लूट का और अपराधी बंटी जो कि समस्तीपुर का रहने वाला है, इसका 4 केस है लूट डकैती का। आशीष कुमार के ऊपर आर्म्स एक्ट के 2 केसेस हैं, लूट के 2 केसेस हैं और अपराधी प्रवीण के ऊपर एक हत्या का केस है गौरीचक का। इनके पास से कुल बरामदगी 3 हथियार हैं अवैध, जिंदा कारतूस 8, 1 मैगजीन है, पल्सर मोटरसाइकिल है, एक स्प्लेंडर बाइक है और एक क्रॉस कार है। कार में भी 3 अपराध कर्मी थे। इन लोगों को पकड़ के हम जेल भेज रहे हैं। अगल बगल के जिलों को सूचना दी जा रही है, कुछ केस में ये वांटेड हैं उन जिलाओं में तो उनको उसमें रिमांड किया जाएगा। उसके अतिरिक्त और भी केसेस हम लोग इनके खिलाफ खंगालने का प्रयास कर रहे हैं। चंदन यही कर रहा है, दीदार नहीं। सर अपराधियों में नाबालिग कोई नाबालिग जिनकी हत्या करने की वो वही है, उनका एक दुकान है और बेसिकली उसके साथ साथ वो जमीन का कारोबार करते हैं, उसी संबंध में पैसों के लेन देन का विवाद हुआ था। इसके बारे में पता करें कितना पुराना है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया इन लोगों ने बताया है प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने यही बताया है कि लगभग 75 लाख रुपए का बकाया था, उसी के लेन देन के संबंध में देशाई सब्जी में जो हत्या हुई है वो हत्या लगभग 10 बजे